अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुगेली। मुगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में एटीएम से धोखाधड़ी करने के फिराक में एटीएम में घुसे युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे एटीएम के सुरक्षा गार्ड ने अपने साहस का परिचय देते हुए पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। आधुनिक युग में हर काम डिजिटल हो चुका है और इसी कड़ी में चोरी और डकैती भी आधुनिक हो गई है। पुराने समय डाकुओं और चोरों द्वारा बंदूक या चाकू के नोक पर चोरी और डकैती को अंजाम दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम जैसे एटीएम क्लोनिंग और बैंक अकाउंट हैकिंग के द्वारा लोगों के जमा पूंजी पर डाका डाला जा रहा है। आए दिन अकाउंट हैकिंग व एटीएम क्लोनिंग की खबरें सामने आते रहती हैं। इसी कड़ी में मुगेली जिले में ऐसा मामला सामने आया है, जहां एटीएम के सुरक्षा गार्ड के मुस्तैदी व साहस की वजह से दर्जनों लोग एटीएम से धोखाधड़ी के शिकार होने से बच गए। पूरा मामला मंगलवार की है, जहां आम जनता यानी ग्राहकों द्वारा एटीएम से रुपए निकाले जा रहे थे। इसी दौरान लगभग 11 से 12 बजे के बीच संदिग्ध युवक द्वारा कुछ लोगों का एटीएम पिन जनरेट किया जा रहा था। साथ ही एटीएम में उपस्थित ग्राहकों के एटीएम कार्ड के 16 अंक के नंबर को कॉल से दूसरे आदमी को शेयर किया जा रहा था। तभी अचानक एटीएम के सुरक्षा गार्ड की नजर आरोपी युवक पर पड़ी और सुरक्षा गार्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी से पूछताछ किया। इसी दौरान आरोपी युवक गार्ड को धमकी देकर भागने लगा, लेकिन सुरक्षा गार्ड द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुए उसे दबोच लिया गया। करीबन 11:30 से 12 के बीच में एक संदिग्ध मिला है, जो यूपी का रहने वाला था। वो कस्टमरों को एटीएम का पिन बना रहा था और उसका कार्ड का जो 16 अंक रहता है उसको लिख रहा था अपने मोबाइल में और किसी से फ़ोन पे बात करके उसको शेयर कर रहा था। तो उतने में मेरा नज़र पड़ा, यहाँ ड्यूटी कर रहा था, तो फिर उसके बाद उसमें मैं देखा कि उसका गांव का नाम जौनपुर था, उत्तर प्रदेश लिखा था। उसके बाद उसको मैं बोला कि चलो शाखा प्रबंधक के पास, आप यूपी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे करके उसको ला रहा था। तो जैसे ही गेट के पास यहाँ लाया मैं, उसके बाद वो मेरे को धक्का दे के करीबन 300 मीटर भाग गए थे एकदम। उसके बाद मैं और वो 20 मीटर के फैसले में थे, बहुत दूर दूर। उसके बाद उसको दौड़ के एकदम बहुत भाग गया था, उसके बाद उसको मैं पकड़ा दौड़ के। फिलहाल आरोपी युवक को गार्ड व बैंक प्रबंधक द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इस मामले में लोरमी पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच की कार्रवाई की जा रही है। निवासी है गोपट्टी के, मथुरा यादव, उन्होंने थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 28 तारीख को जब ये SBI बैंक के ATM में अपने नया पिन जनरेट करने के लिए ATM पहुँचे थे, तो वहाँ पे दो युवक उनके आसपास में थे, जिनके द्वारा इनके हेल्प करने के नाम पे इनका पिन जनरेट किया गया और ATM कार्ड को बदल दिया गया। जब इनको थोड़ा सा शक सुबह हुआ तो ये वापस गए, तो फिर इनके चिल्लाने पे गार्ड के द्वारा दौड़ा के इन आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें से एक आरोपी पकड़ा गया और दूसरा आरोपी जो है इनका, वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया था। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमजाजर। अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुगेली।